जनाब। अरे इस बच्ची के पास बोल है, चलो इसे लेता हूँ। वाओ कितनी प्यारी बॉल है। जी आयान भाई ये बहुत अच्छी बॉल है, अब ये मुझे दे दें। वो क्या हो गया, अभी तो मैंने इससे खेला भी नहीं, मुझे दे दो। मुझे दे दो आयान भाई, मुझे तंग ना करे वरना मैं शोर करूंगी। रख लो अपनी बॉल, अब बेटा देख रहा किस तरह मजा चलाऊंगा। अच्छा अभी भी खेल रही है, अब इसको बताता हूँ। जब जिशान अंकल के घर की बेल बजाऊंगा ना तो देखना, वो देखेंगे कि हरीम एक बार खेलती है, उसकी डांट पड़ेगी। कौन आ गया सुगत? ओहो कौन आ गया, सबर करो भाई आ रहा हूँ। कोई नहीं यहाँ पे, बच्ची खेल रही है बस यहाँ पे तो। जी बात है, कोई भी नहीं है। जी बात है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, सबर करो आ रहा हूँ। अब पता चलेगा ना, ये तो चले गए, अब मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही भागू। ओहो हरीन क्या हुआ, क्यों रो रही हो, इधर बैठो। आज मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी और खेल रही थी। हाँ तो उधर हुआ ऐसे। ये बच्ची यहाँ खेल रही है, यकीनन इसी ने ये हरकत की होगी। ठहरो अभी सीधा करता हूँ उसको मैं। ठहर चलो अभी लेती हूँ। ओ रुको बच्ची, ठहरो इधर। जी अंकल। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक तो शरारत कर रही हो और ऊपर से भाग रही हो। लेकिन अंकल क्या, मैं तो समझ रहा था आप यहाँ खेल रही हो, लेकिन आप तो शरारतें कर रही हो यहाँ पे। एक तो अपनी गलती मानने के बजाय ऊपर लेकिन अंकल कर रही हो, और आपको पता नहीं है कि घर में कोई आराम कर रहा था, कोई काम कर रहा था, और आप बेल पे बेल बजा के भाग रही हो। पर अंकल आप मेरी बात सुनो, मैंने बेल नहीं बजाई। अच्छा तो आपने बेल नहीं बजाई, तो यहाँ पर बेटा कोई जिन भूत फिर रहे हैं जो बेल बजा के भाग रहे हैं। वो बेल तो क्या, ये इधर पकड़ो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए इसकी। जब सजा मिलेगी ना फिर पता चलेगा कि किसी के घर की बेलें बजाते किसी को तंग नहीं किया करते। पर अंकल। बस चुप कर जाओ, खबरदार अब अगर मेरे घर की बेल दी तुमने तंग किया हुआ है। मेरी बोल चली गई अयान भाई की वजह से। क्या उफ, यान ने ना सबकी नाक में दम किया हुआ है, इसके बाबा को शिकायत करनी पड़ेगी इसकी। अरे रियान भाई मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे नहीं करते। जल्दी बताओ। हाँ इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं। ये तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। हाँ अरे रियान भाई बनेगी मछली। मछली तो कोई मछली नहीं है। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा, अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। इसका मतलब उसी अयान के बच्चे की वजह से आपकी बॉल गई है ना, चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन बात
आज हम अयान भाई को ढूंढेंगे कहाँ? बात वो देखे अयान भाई जा रहे हैं। ठहरो हरी, इनको हम आगे से नहीं पीछे से पकड़ेंगे। रुको भाई, किधर जा रहे हो? ओ बेटा, किधर जा रहे हो? चुप करके इधर खड़े रहो। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? अच्छा जी, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि आपने क्या किया? आपकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और आपकी वजह से मेरी उस बहन की बोल भी अंकल ले गए, और आप बस उसे हंस के देख रहे थे, ये नहीं कि उसकी हेल्प कर दो। और गलती भी आप ही की थी, बेल आप बजा रहे थे और सजा उसे मिली। लेकिन मैंने थोड़ी ना अंकल से कहा था कि इसकी बोल ले जाएं। अच्छा जी, मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी शरारत की थी ना, अब मैंने थोड़ी ना अंकल से कहा था कि इसकी बोल ले जाएं। आपने नहीं कहा था, लेकिन उन्हें तो यही लगा ना कि यही है वहाँ पे, तो इसी ने बेल बजाई है, तो इसलिए उन्होंने इसकी बॉल छीन ली। और हाँ, आपको ये तो पता था ना कि गलती आपकी थी उसकी नहीं, तो अंकल को जाके यही कह देते कि अंकल ये मेरी गलती थी उसकी नहीं, तो प्लीज उसे उसकी बॉल वापस कर दें। लेकिन नहीं, आप तो ऐसा कभी नहीं करने वाले। आप तो वहाँ से उल्टा भाग निकले। शरारत और चीज होती है, और किसी को तकलीफ देना और चीज। अरे पकड़ा, सॉरी रामी, सॉरी, ये ले आपका। मैं ऐसी गलती की ना अंदर से मैं तुझे छोड़ूंगा ना। रान भाई माफ कर दे, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था। तुम छोटे मजाक कर रहे थे, मैं शर्म नहीं आती तो बाबा के थाके तुम्हें ढूंढ दूंगी। अच्छा ले जाए ना रान भाई, अब ले जाए। सॉरी सॉरी। हां जी, देखा आपने जिस तरह की आप शरारतें करते हो ना, ये शरारते नहीं, ये दूसरों को तंग करना होता है, और इस तरह आपसे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, मुझे एहसास हो गया, अब मैं सीधा जाऊंगा अंकल के पास, उनसे कहूंगा ये सब मैंने किया है, इस बच्ची की बोल दे दें, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इस तरह की शरारत नहीं करूंगा। गुड बॉय, आइंदा ख्याल रखना अपना भी और अपने इस वादे का भी। चलो अब आप दोनों जाओ बोल लेने, और मैं जा रही हूँ पढ़ने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब ये कौन आ गया? देखता हूँ। ओहो, फिर से आ गई आप? नहीं अंकल, ये नहीं आई, मैं इसे लेके आया हूँ। ओह तो अच्छा, बॉल लेने के लिए आए हो? लेकिन बॉल तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसको समझाओ कि इस तरह की हरकतें शरारतें ना किया करे। ये असल में अंकल वो ये सच कह रही थी, इसने शरारत नहीं की थी, वो मैंने की थी। सॉरी अंकल। क्या जी? शरारत इसने नहीं, आपने की थी? जी, डोरबेल ये नहीं, डोरबेल मैं बजा रहा था, वो इसने मुझे बॉल नहीं दी थी तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने ये सब किया। सॉरी अंकल, बॉल दे दे। क्या? उफ, मैंने बिना वजह इस बच्ची को डांट दिया और सजा भी दी। जी अंकल, अब आप इसकी बॉल को वापस दे दें और मुझे भी माफ कर दें, मैं आइंदा ये सब नहीं करूंगा। चलो अच्छी बात है बेटा कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, और मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने इस छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की गलती की, इसको गलत डांटा, बिना जाने इस पे इल्जाम लगाया, जबकि ये गुड़िया मुझे कहती रही कि अंकल मैंने ये गलती नहीं की। तो गुड़िया मैं आपकी बॉल भी लेके आता हूँ, और आपके लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी गलती को सुधारना भी तो है ना, मैं बस अभी आया। जी तो बच्चों, तो ये रही आपकी बॉल, और ये रहा आपका इनाम, और ये आपके लिए भी। थैंक यू, वेलकम। क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं कि जो गलती का एहसास करें और अपनी गलती को सुधारें भी सही। थैंक यू अंकल, हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़ अंकल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।